वाली मैं तीन मनोनीत पार्षदों को दिलाई शपथ। कृषि मंत्री ने सभी पार्षदों से शहर के समग्र विकास के लिए मिलजुल कर कार्य करने का किया आह्वान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज, मैं रमन राणा हाजिर हूं दिनभर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा क्षेत्र ज्वाली के तहत नगर पंचायत ज्वाली में तीन मनोनीत पार्षदों सुरेंद्र शिंदा, रघुवीर सिंह तथा महेंद्र सिंह को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चौधरी चंद्र कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि अब इस नगर पंचायत में पार्षदों की कुल संख्या 12 हो गई है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि स्थानीय जनता तथा पार्षदों के परस्पर सहयोग से नगर पंचायत में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था के साथ साथ शहर में रास्तों को पक्का करने के अतिरिक्त सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा अन्य विकास कार्यों को विशेष गति प्रदान की गई है। चंद्र कुमार ने कहा कि नगर पंचायत में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तीन मनोनीत पार्षदों के जुड़ने से विकास कार्यों को और अधिक रफ्तार मिलेगी। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत ज्वाली में 19 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसके लिए बजट का उचित प्रावधान कर दिया गया है। उन्होंने सीवरेज कार्य की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के साथ शीघ्र इसका निर्माण शुरू करने के लिए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की सुंदरता सफाई से झलकती है। उन्होंने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अत्याधुनिक कूड़ा संयंत्र बनाया जाएगा। कृषि मंत्री ने सभी पार्षदों से अपने अपने वार्ड का सर्वे करने की अपील की, ताकि हर जरूरतमंद परिवार तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सुनिश्चित हो सके। उन्होंने सभी पार्षदों से शहर के विकास के लिए मिलजुल कर पूरी निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र राजू, उपाध्यक्ष AB पठानिया, सचिव प्रदीप दीक्षित, पार्षद तथा अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।